हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लोग बातचीत करेंगे, आपसे बात करूँगी मैं, और बात करनी है कि हम सबके बीच में जो रिश्ते होते हैं परिवार में, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, देरानी जेठानी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, तो बहुत से रिश्ते होते हैं परिवार के अंदर और उनको बनाए रखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं कह रही थी कि रिश्तों को बनाए रखने में बड़ी दिक्कत आती है, रिश्ते बन तो जाते हैं लेकिन निभते बड़े मुश्किल से हैं। तो हम ये कहेंगे कि घमंड नहीं रखना हमें किसी भी रिश्ते। अगर आप सास हैं तो आपको ये घमंड नहीं रखना है कि मैं तो सास हूँ, मैं तो बहू को ये कह सकती हूँ, मैं तो उसको ये कर सकती हूँ। नहीं, आप अगर सास हैं तो अपनी बहू से बेटी जैसा व्यवहार करें, और अगर माँ हैं तो अपनी बेटी से माँ जैसा, दोस्त जैसा व्यवहार करें। जब बच्चे कहते हैं, जब बच्चों के हमारी चप्पल आने लगती है तो बच्चे हमारे दोस्त हो जाते हैं। तो यदि पिता है तो वो कड़वा ना बोले अपने बेटे से, वो उसे दोस्त की तरह रखे, बेटे से दोस्ताना व्यवहार रखे, और यदि माँ है तो अपनी बेटी से दोस्ताना व्यवहार रखे। यदि आप एकदम खुले मतलब खुला व्यवहार रखेंगे अपनी बेटी से, अपने बेटे से, तो आपके बच्चे आपको कोई बात बताएंगे नहीं, तो वो आपसे छिपाएंगे, हर बात छिपाएंगे। ऐसे ही यदि सास बहू है तो मन की बात पढ़ लें, आपने इतनी उम्र ली है, आप बच्चों के मन की बात तो पढ़ ही सकते हैं। तो जैसे आप अपने बच्चों की मन की बात को पढ़ सकते हैं, वैसे ही आप बहू के मन की बात को भी पढ़ सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, बेटा क्या दिक्कत है तुझे, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इस तरीके से आपको पूछना है, बड़े होने के नाते पूछना है। ऐसे ही भाई बहनों का रिश्ता है तो यदि आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं तो अपनी छोटी बहन की समस्याओं को पूछें, उनसे बात करें, समय समय पर बात करें कि क्या दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं तुझे छोटों से। तो खुल के आप बात करेंगे तो जो आपसे छोटी बहन है या छोटे मतलब भाई की छोटी बहन है तो, और बहन की छोटी बहन है तो, यदि आप बड़े हैं तो आपको उनकी समस्याओं के लिए रोज या रोज नहीं तो कम से कम 8-10 दिन में तो बात करनी चाहिए कि क्या दुख है, क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ। तो इस तरह से हम यदि पूछते रहेंगे बड़े होने के नाते, अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं बड़ा हूं तो मेरी इज्जत करें या मुझे कोई बात बताए, नहीं, आपको पूछनी है उनसे बात छोटों से कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। जब आप पूछेंगे तभी आपसे जो छोटा होगा वो आपको खुल कर बात बताएगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो उसके दिमाग में डर बैठा रहेगा कि अरे कैसे बात बताऊं, क्या करूं। मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों से बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रखती हूँ, अपनी बहू से भी वही व्यवहार रखती हूँ जो मैं अपनी बेटियों से रखा करती थी, और अभी भी मेरी बेटियों से मैं वही व्यवहार रखती हूँ दोस्ताना। मेरी बेटी मुझे सबसे पहले कोई बात बताती है क्योंकि दोस्ताना व्यवहार है मेरा, ऐसे मेरी बहू भी बताती है मुझे क्योंकि मैं उससे भी दोस्ताना व्यवहार रखती हूँ, उसी तरह मैं अपने बेटे से भी दोस्ताना व्यवहार रखती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना बड़प्पन ना दिखाएं, आप दोस्ताना व्यवहार रखें छोटों से, तो छोटे आपसे खुल कर बात करेंगे। जैसे आपकी देरानी है तो जरूरी नहीं है कि आप ही चाय बनाए, मतलब देरानी ही चाय बनाएगी, देरानी ही खाना बनाएगी, ये नहीं, आप खुद बना लें खाना,
खाना बना लें, चाय बना लें, जो भी बनानी है आप उसको पिला दें, वो आपसे छोटी है, उसे छोटी बहन की तरह समझे। तो जब आप किसी से घमंड ना रखकर दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो आप एक तो उनकी छोटे बहन भाई या जो आपसे छोटे हैं रिश्ते में उनकी दिमाग में चढ़ेंगे, बहुत ऊंचे रहेंगे, और दूसरी बात वो आपसे खुलकर कोई बात करेंगे। तो हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखिए, ना कि घमंड वाला व्यवहार रखें। आप घमंड ना रखें, समस्याओं को पूछते रहें, परिवार में भी पूछते रहें और अपने बच्चों से भी पूछते रहें, अपनी बहन है तो बहन से पूछते रहें कि क्या दिक्कत है, क्योंकि परेशानी आती है। मैंने तो अपने बेटे को यही सिखाया है कि छोटा है मेरा बेटा अपनी बहनों से, लेकिन वो काम ऐसे करता है अपनी बहनों के लिए जैसे बड़ा भाई हो। तो बड़े भाइयों वाला काम करता है मेरा बेटा बड़ी बहनों के लिए, और बहनों को भी उतना ही उस पर विश्वास है कि ये हमारा काम करके देगा। तो वो भैया भैया कह के अपना कोई भी दुख दर्द है तो भैया से सबसे पहले बात करती है, और भैया भी सबसे पहले अपनी बहनों से बात करता है। कोई भी दुख दर्द की बात है तो सबसे पहले वो अपनी बहनों को फोन लगाता है और मुझे बता देता है, पहले ही मुझे तो बता ही देता है, लेकिन अपनी बहनों को फोन कर देता है कि आज ये हुआ। चाहे उसके साथ अच्छा हो और चाहे उसके साथ बुरा हो, कोई भी नई चीज खरीदी हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखें और उसमें फटाफट डाल देता है अपनी बहनों के लिए, अपने जीजा के लिए, अपने भांजे भांजियों के लिए। भांजे भांजियों को उतना प्यार दीजिए जैसा कि एक माँ बाप प्यार देते हैं, क्योंकि मामा जो होता है वो डबल माँ होता है। तो आप अपने भांजे भांजियों को भी प्यार दीजिए, मतलब माँ वाला प्यार देना चाहिए उन्हें। उनसे समय समय पर पूछिए तुम्हें कोई समस्या तो नहीं, यदि आप नहीं पूछते हैं तो फिर वो अपने आप ही कोई काम करेंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि हमें क्या करना है, नहीं तो आपसे सलाह लेंगे। यदि आप उनकी साथ उनका देते हैं तो आपसे सलाह ली जाएगी, और यदि आप नहीं साथ देते हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो बड़े बहन भाई हैं, चाहे वो जेठानी है या कोई भी है, जेठ जेठानी है, कोई भी है परिवार में, यदि आप अपने छोटों से ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे, दोस्ताना व्यवहार, तो आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं इसलिए मैं आपसे बैठकर बिल्कुल अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल कर आपसे बात करती हूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर मुझे समय देती हैं, मेरी वीडियोस को समय देती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।